हेलो एंड वेलकम बैक टू बेक्स बाय कनिका। तो देखिए, आज हम एक बहुत ही मेरी रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाने वाले हैं। एक बार इंस्टाग्राम पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पिज्ज़ा पिनव्हील्स को पोस्ट किया था, तो मेरे पास उसकी इतनी रिक्वेस्ट आई हैं तो आई थॉट आज वो बनाया जाए। सो लेट्स मेक दीज पिज्ज़ा पिनव्हील्स टुडे, और वो भी एक हम टियर एंड शेयर फॉर्म में बनाएंगे, जिससे कि आप आराम से अपने गेस्ट को सर्व कर सकें और इन्जॉय करें। इस रेसिपी के लिए मैंने स्टैंड मिक्सर का यूज़ किया है। आप इसे आराम से हैंड से भी नीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, अब हम मिल्क पाउडर लेंगे, अब हम इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। मैंने इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ किया है। ये डायरेक्ट आप फ्लावर में डाल के इसको मिक्स करके रख सकते हैं। इसके अंदर अब हम शुगर डालेंगे। अब सॉल्ट डालने से पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जब हम सॉल्ट डालें मिक्सर में तो ईस्ट ना डीएक्टिवेट हो जाए। तो इसीलिए आपको सॉल्ट मिक्स करने के बाद ही डालना चाहिए। अब हम इसके अंदर सॉल्ट को डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आइस कोल्ड वाटर डालेंगे। मैंने इसमें आइस कोल्ड वाटर इसलिए लिया है क्योंकि अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली में, स्पेसिफिकली इस टाइम पे बहुत गर्मी है। इट इज़ अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम हॉट वाटर इसके अंदर या वार्म वाटर डालेंगे तो जब हम इसको नीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर और राइज होगा और डो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रूव हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर अ ब्रेड टू बी प्रूव्ड सो फास्ट। तो इसीलिए हम इसको, इसमें मैंने आइस कोल्ड वाटर डाला है, आप भी इसको डाल के देखिएगा, इसमें रिजल्ट्स वंडरफुल आते हैं। हमें बस इसे नीट करते रहना है जब तक कि ये बहुत स्मूथ और इलास्टिक डो ना बन जाए, और अगर ये थोड़ा सा स्टिकी भी है तो कोई बात नहीं, अपना आगे जाके जितना आप नीट करेंगे उतना वो नॉन स्टिकी हो जाएगा। और इसको आप अच्छे से, जब एक हम विंडो पेन टेस्ट कहते हैं, जैसे ही आप इसको डो को स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्रेक नहीं करना चाहिए और स्मॉल होल्स इसके अंदर नहीं फॉर्म होने चाहिए। तो आप जब एक स्मूथ विंडो पेन टेस्ट इसको पास कर लेंगे तब हम इसको नीडिंग स्टॉप कर देंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। आप इसमें कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल भी डाल सकते हैं, बट हाँ, सरसों का तेल ना यूज़ करें, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इस ब्रेड में आएगा, इसलिए ऑलिव ऑयल वैसे बेस्ट टेस्ट करता है आपकी ब्रेड्स में। बस इसको ऑयल अब्जॉर्ब होने तक हमें इसको नीट करना है, और बस फिर हम इसको एक काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे। एक उसका स्मूथ बॉल बनाकर हम इसको एक ग्लास कंटेनर में हम रख कर उसको, एक बेसिकली ग्लास कंटेनर को हम ऑयल करेंगे और उसके अंदर हम इसको रखेंगे और एक प्लास्टिक रैप से उसको ऊपर से कवर कर देंगे, और फिर हम एक काउंटर टॉप पे ही उसको छोड़ देंगे और उसको राइज होने देंगे टिल ये डबल इन साइज हो जाए। तो इस प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा, आपका 1 to 1.5 hours लग जाएगा, क्योंकि हमने कोल्ड वाटर यूज़ किया है तो वो बहुत आपके एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही उसका राइज होगा। देखिए 1.5 hours के बाद ही कितना अच्छा प्रूफ हो गया है, बिल्कुल डबल इन साइज हो गया है। अब हम इसको काउंटर टॉप पे निकालेंगे और हम इसको अब इसको डीगैस कर लेंगे, दैट इज़ उसको पंच मार के उसकी हवा हम निकाल लेंगे, और एक काउंटर टॉप पे एक रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसको एक फ्लैट बेल लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। मैंने ये रूम टेम्परेचर बटर लिया है, ये गार्लिक बटर है। आप इसमें कोई भी, जो भी आपके पास बटर अवेलेबल है, आप आराम से उसमें लगा सकते हैं, और इसको लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। बस अब फटाफट से पिज्ज़ा सॉस लगा देंगे इसमें, इसी तरीके से स्प्रेड करते हुए। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ को अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया है, ये स्टोर बॉट मोज़रेला चीज़ है तो ईजिली ग्रेट हो जाती है। अब हम इसमें अनियन और बेल पेपर्स डाल देंगे, ये आपकी जो भी चॉइस ऑफ डालिए, पर हाँ बहुत ज़्यादा हमें स्टफिंग नहीं डालनी, नहीं तो इसको रोल करने में दिक्कत आएगी। तो एक थोड़े कम अमाउंट में हम इसमें इस वेजिटेबल्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, नहीं तो आप सिंपल चीज़ और पिज्ज़ा सॉस भी रख सकते हैं।
थोड़ी सी अब हम इसके ऊपर इटालियन सीजनिंग्स स्प्रिंकल कर देंगे, जैसे मेरे पास ये पिज्ज़ा सीजनिंग थी तो मैं ये स्प्रिंकल कर रही हूँ, नहीं तो आप ओरिगनो चिली फ्लेक्स आप सेपरेटली भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसको लॉन्ग साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस तरीके से अपने हैंड से इसको रोल करते हुए हम इसका एक स्विस रोल टाइप इसको रोल करते चले जाएंगे। अब हम इसको जो एक एंड से उठा के इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और पिंचिंग मोशन से इस तरीके से पिंच करते हुए हम इसको इस रोल को पूरी तरीके से सील कर देंगे और स्पेशली हम साइड्स को भी सील करेंगे। अब इसको कट करने से पहले हम इसको एक पैन को प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर ले लिया है और एक मैंने केक रिंग को लेके उसके ऊपर ऐसे लगा दिया। आपके पास केक रिंग नहीं है तो आप नॉर्मल केक पैन भी लेके उसको अच्छे से बटर करके और उसके ऊपर नीचे पार्चमेंट पेपर लगा दीजिएगा। और हमेशा याद रखिए कि पैन को बटर से ही ग्रीस करें, ऑयल से ना करें, क्योंकि बटर से ही आपकी ब्रेड स्टिक नहीं करेगी, नहीं तो कई बार ब्रेड आपकी स्टिक कर जाती है। अब हम नाइफ को लेके इस तरीके से उस रफली अपने कट्स लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से काटते चले जाएंगे। अब हम इसको उठाएंगे और अपने पैन में कॉर्नर्स में अरेंज कर देंगे। मैं इसको टियर एंड फेयर फॉर्म में कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ, नहीं तो आप केक पैन में एक स्मॉलर केक पैन लेके उसको पूरा फिल भी कर सकते हैं। देखिए ये अब हमारे प्रिपेयर हो गया है पैन और अब हमारी इनको बेक करने की बारी है। देखिए कितने रेडी हो गए हैं मजे से। पर इसको हम पहले एक लार्ज पॉलिथीन में या एक जिपलॉक बैग में रख के थोड़ा इसको स्पेस देके हम इसको थोड़ी देर प्रूफ होने के लिए रखेंगे फॉर हाफ एन आवर। ये थोड़ा सा पफ अप हो जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर मिल्क लगाएंगे और मिल्क से ब्रश करने से आपके जो ब्रेड है वो मॉइस्ट रहती है और फिर हम उसको बेक करेंगे। इसको हम फटाफट से मिल्क से ब्रश कर देंगे। मिल्क लगाने से ब्रेड में बेक होने के बाद बहुत अच्छा ब्राउन कलर आता है और अच्छा ओवन स्प्रिंग भी आता है। अब हम इसको बेक करेंगे एक प्री हीटेड ओवन में एट 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 20-25 मिनट्स। आप इसको बीच में अगर आपको लगता है ज़्यादा ब्राउनिंग हो रही है तो आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर रिड्यूस कर दीजिए और इसको आप बेक करिए 20-25 मिनट्स और ये बहुत सुंदर हमारे पिज्ज़ा पिन व्हील्स रेडी हो जाएंगे। देखिए है ना कितने सुंदर बनके आए हैं। अब हम इनके ऊपर मेल्टेड बटर लगा देंगे जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बन जाएंगे। तो बस इसको अब हम थोड़ा ठंडा होने देंगे फॉर 10 मिनट्स और फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब एक स्पैचुला या नाइफ से हम इसके साइड्स पे एक बार अपना ये नाइफ चला देंगे जिससे कि अगर ज़रा सा भी कोई स्टिक हुआ हो तो वो डिटैच हो जाए। वैसे तो हमने बटर लगाया है तो बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होता है, बट स्टिल एक बार आप नाइफ चला दीजिए इस तरीके से तो बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए बन गया ना मजेदार सा स्नैक। अब आप ये बनाइए और अपने फैमिली एंड गेस्ट को इम्प्रेस करिए। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, बाय फॉर नाउ, सी या।